नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सिंडे के साथ। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सत्ताईस मार्च तक नहीं मिला जिले में कोई भी कोरोना वायरस पॉजिटिव, एक संदिग्ध की रिपोर्ट का इंतजार। तीन दिन में 150 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर नागपुर से लालबर्रा पहुंचे लोग। लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं लोग, जिलेवासियों को चिकित्सकों की दो टूक चेतावनी। लॉकडाउन में शराब दुकान खोले जाने का वारासिवनी विधायक ने जताई चिंता। दसवीं व बारहवीं कक्षाओं को जनरल प्रमोशन दिए जाने की सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है फेक खबर। लॉकडाउन में कंजई बैरियर पर पुलिस कर्मियों के द्वारा बरती जा रही है विशेष चौकसी। और कोरोना वायरस संक्रमण लॉकडाउन का मुस्लिम समाज ने किया पूर्णतः पालन, घर में अदा की जुमे की नमाज। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने अपने एक महीने की सैलरी और विधायक निधि कोरोना वायरस संक्रमण पीड़ित राहत कोष में देने की घोषणा की है। पद्मेश न्यूज को भेजे अपने विशेष संदेश में उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि आपदा के समय उन्होंने यह निर्णय लिया है। वह जिलेवासियों से आग्रह कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। कोरोना अंतर्राष्ट्रीय महामारी है और इससे डरने की जरूरत नहीं, हम सबको इसका डट के मुकाबला करना है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉकडाउन का आग्रह किया है उसका सख्ती से पालन हो और अंतर्मन से पालन हो। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो लगातार आपसे आग्रह कर रहे हैं उसका भी हम सबको पालन करने की जरूरत है। सभी से मेरा आग्रह है कि अपने घरों में रहें, अत्यंत आवश्यक काम हो तभी आप बाहर निकलें। जितना हम लोग कनेक्टिविटी को तोड़ेंगे उतना यह कोरोना के इस वायरल को फैलने से रोकने के लिए सार्थक होगा। पूरे दुनिया में यही एक रास्ता है कोरोना से निपटने के लिए कि हम सामाजिक दूरियां रखें, व्यक्तिगत दूरियां रखें और परिवार में रह कर के इस कठिन। यही नहीं, जिले के किसानों से उन्होंने अपील की है कि गांव के भीतर ही खेती और फसल की रक्षा करने का उपाय करें, जिससे किसानों की स्वयं के संक्रमण से उनकी रक्षा हो सके। जिला प्रशासन से चर्चा उपरांत चूंकि हमारी रबी की फसलें आ चुकी हैं, जिले के किसानों से और प्रदेश के किसानों से आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर मशीनरियों का उपयोग करके, जैसे हार्वेस्टर है, रिपर है, मजदूरों के द्वारा हम सतर्कता बरत करके अपनी फसलों को हार्वेस्ट करें, उसकी थ्रेसिंग करें। साथ ही साथ जहां हमारे सिंचाई वगैरह करनी है तो उसकी भी सिंचाई करें, गांव के गांव में इस व्यवस्था का चिंता करें। इसी के साथ साथ मैं प्रदेशवासियों से निवेदन करना चाहूँगा, मेरा आग्रह है कि कोरोना से हमको मुकाबला करना है तो हमारे मुख्यमंत्री का जो सहायता कोष है उसमें खुले मन से, खुले हाथ से सहयोग राशि प्रदान करें। मैंने भी निर्णय लिया है कि विधायक निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि जो पूरी हमारी स्वीकृत हो चुकी, क्योंकि मार्च एंडिंग था, उसमें से कुछ कामों को कैंसिल करके वह राशि हम जिला कलेक्टर को प्रदान करेंगे। वारासिवनी में किराना व्यवसायियों की एक आपात बैठक अनुविभागीय अधिकारी संदीप सिंह ने अपने कार्यालय में आहूत की, जिसमें लॉकडाउन की स्थिति में नगर में किराना व्यवसाय से जुड़े मटेरियल्स की कालाबाजारी को लेकर चल रही खबर के बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया है। वारासिवनी में लॉकडाउन के बाद किराना व्यवसायियों के द्वारा घर पहुंच सेवा की जिम्मेदारी प्रशासन के सामने ली गई है और बाकायदा उसका पालन किराना व्यवसायी कर रहे हैं, मगर कुछ कथित और कतिपय व्यापारी अधिक मुनाफा कमाने के मकसद से मुनाफाखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी किराने दुकान वाले जितने भी हैं, अभी चार दिन पहले हमने जो बैठक ली थी, एक हमने सिस्टम तैयार किया था कि जो बड़ी दुकानें हैं वो होलसेल और जो भी बड़ी दुकानें तो शटर डाउन रहेंगे सारे किराने स्टोर के, और जो मोबाइल नंबर उनके हैं, व्हाट्सएप नंबर, वो पब्लिक में प्रसारित किए जाएंगे मीडिया के माध्यम से, और वो किराने की लिस्ट आएगी उनके व्हाट्सएप ग्रुप में और वो सामान को पैक करेंगे। और दूसरे दिन जो 8 से 12 बजे का समय दिया है हम लोगों ने डिलीवरी का, तो वहां पहुंचाएंगे।
इस संबंध में भी इनसे चर्चा किया तो कोई समस्या नहीं है, सब चीजें ठीक चल रही है। दूसरी चीज, जो छोटी दुकानें हैं जिनके पास व्हाट्सएप नंबर के तहत वो नहीं बांट पा रहे सामान, वो खोलना चाह रहे थे तो उनको भी बुलाया मैंने, बोला आप खोलेंगे 8 से 12 के बीच में, लेकिन क्या है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही लोगों को किराना देना है, तो उसके लिए जो हम नगर पालिका की टीम अभी भेज रहे हैं सर्वे करके, जो छोटी दुकानें उनके सामने 6-1 मीटर के बीच में गोले लगा देंगे और पब्लिक वहीं खड़े लेगी 1-1 डिस्टेंस में और फिर किराना लेगी। इसके साथ साथ कुछ न्यूज आ रही थी कि किराना का जो रेट, कोरोना वायरस संक्रमण के बीच लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर फेक न्यूज वायरल करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, चाहे फिर कोरोना से संक्रमित पॉजिटिव नेगेटिव मरीजों की संख्या को लेकर हो या फिर किसी भी तरह की अन्य खबरें। लोगों को लॉकडाउन के दौरान घरों के भीतर रहते हुए फेक न्यूज वायरल करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि ये फेक खबर समाज के अन्य लोगों पर क्या प्रभाव डालेगी और उन्हें कितना परेशान करेगी। ऐसी ही एक खबर 26 मार्च की देर शाम से जिले के सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को जनरल प्रमोशन दे दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी आर के लटारे ने बताया कि उनके पास इस तरह के ऐसे कोई आदेश नहीं आए हैं, ये खबर उनके पास भी आई है, इससे संबंधित कुछ फोन उन्हें भी आए हैं, लेकिन वे बता रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा बोर्ड परीक्षाओं को जनरल प्रमोशन दिए जाने जैसा कोई आदेश अब तक नहीं दिया गया है। यह खबर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है यह पूरी तरह से फेक है और इससे सतर्क रहिए। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान हुए लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक सामग्रियों की जरूरत को देखते हुए जिले के कई किराना, मेडिकल सहित अन्य व्यापारी वस्तुओं की बहुत अधिक कालाबाजारी कर रहे हैं और बड़े ऊंचे दाम पर विक्रय कर रहे हैं। इस बात की जानकारी के बाद जिला प्रशासन द्वारा शहर की विभिन्न वार्डों में बाकायदा अनाउंसमेंट करवाया जा रहा है कि व्यापारी ध्यान दें कि किसी भी वस्तु की कालाबाजारी ना करें, वरना उन पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए सुनते हैं प्रशासन का अनाउंसमेंट। सभी छोटे दुकानदार जो भाई लोग हैं हमारे मोहल्ले में, जो गली नुक्कड़ में किराने की दुकान लगाए हुए हैं, बहुत सारी कंप्लेंट आ रही है कि आप लोग तेल 30 रुपए लीटर महंगा बेच रहे हैं, शक्कर 10 रुपए किलो महंगी बेच रहे हैं, दाल 15 रुपए किलो, ये पूरे बालाघाट में जहाँ जहाँ हम गांव में घूमे वहाँ पर रेट व्यापारियों ने महंगा कर दिया है। आप लोगों से निवेदन है कि आप मार्केट रेट पर, प्रिंट रेट पर ही सामान बेचें। अगर आपको थोक व्यापारी महंगा देता हो तो वहाँ से बिल लेकर आए, प्रशासन तुरंत कार्रवाई करेगा। ये संकट की घड़ी में आप लोगों के धंधे तो चल रहे हैं, लेकिन गरीब लोग रोज कमाने खाने वाले अपने घर में बैठे हुए हैं और अगर उनको दोहरी महंगाई की मार में। 26 मार्च को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिले के लांजी तहसील के सुदूर वनांचल गांव कंसुली से एक 35 वर्षीय युवक को कोरोना का मरीज होने के संदेह में जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया है। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरसी परिका ने बताया कि इस युवक ने चर्चा के दौरान आइसोलेशन वार्ड के डॉक्टरों को बताया कि 5 दिन पहले वह हैदराबाद से अपने गांव कंसुली पहुंचा है। 2 दिन से उसे सर्दी, खांसी और बुखार है। हैदराबाद में एक व्यापारी के घर में वह काम करता है जो कुछ दिन पहले इंग्लैंड गए हैं और जानकारी लगी है कि इंग्लैंड जाने के 1-2 दिन बाद ही वहां उसकी जांच हुई, जिसमें पाया गया कि वह कोरोना पॉजिटिव है। इंग्लैंड जाने से पूर्व व्यापारी द्वारा अपने कुछ करीबी लोगों को पार्टी दी गई थी। इस दौरान इस पार्टी में काम करने के लिए कंसुली निवासी युवक भी गया हुआ था। इस समय कुछ समय के लिए युवक अपने व्यापारी मालिक के करीब गया था, उसके पास उससे कुछ उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण देश भर में लॉकडाउन को देखते हुए वह 5 दिन पहले ही अपने घर कंसुली पहुंचा है, जिसके बाद से उसे सर्दी खांसी होने पर ग्रामीणों द्वारा टोल फ्री नंबर पर फोन किया गया तो जिला अस्पताल की टीम उसे आइसोलेशन वार्ड तक लेकर आ गई। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरसी परिका ने दूरभाष पर बताया कि संदिग्ध होने की स्थिति में युवक की जांच कर जबलपुर लैब जानकारी भेजी गई है। वहां से 27 मार्च की देर रात तक रिपोर्ट आने की संभावना है, जिसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन प्रशासन मुस्तैद है। इन दिनों बाहरी जिलों से भारी संख्या में लोग बालाघाट आ रहे हैं। पुलिस के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से बाहरी लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है, उनका बाकायदा स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जा रहा है।
गर्रा नाका में एक मोटरसाइकिल सवार को चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस ने रोका तो पता चला कि वह रायपुर से आ रहा है, क्योंकि उसका गृह ग्राम बालाघाट के आलेझरी में है, इसीलिए वह वापस लौट रहा है। उसके पास बाकायदा कोरोना आवागमन का पास भी था जो अगले 3 दिनों तक मान्य था। मौजूद चिकित्सक ने बाइक सवार पंकज पटले का स्वास्थ्य परीक्षण किया, दस्तावेजों की जांच भी की, फिर उसे जाने दिया। पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं नगरपालिका परिषद बालाघाट का अमला 24 घंटे सेवा कार्य कर रहा है। बाहर से आने वाले सभी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण जिले की सीमाओं में किया जा रहा है। कोरोना वायरस को लेकर जारी किए गए फतवे के तहत आज जयनगर की तमाम मस्जिदें सूनी नजर आईं और नगर की तमाम मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय की भीड़ दिखाई नहीं दी। सिर्फ वही लोग मस्जिदों में नमाज अदा करते नजर आए जिन्हें पूर्व में मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करने की अनुमति प्रदान की थी। पूर्व से निर्धारित 5 लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में जुमे की नमाज अदा करते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर तमाम मस्जिदों में पिछले 2-3 दिनों से लगातार ऐलान किया जा रहा है कि मुस्लिम बंधु अपने अपने घरों में 5 वक्त की नमाज अदा करें और कोई भी मुस्लिम समाज के लोग मस्जिदों में नमाज अदा ना करें। मस्जिदों द्वारा किए गए इस ऐलान और कोरोना वायरस को लेकर जारी किए गए फतवे का अनुसरण करते हुए मुस्लिम समाज के लोग जुमे की नमाज अदा करने मस्जिद नहीं गए और उन्होंने घर पर ही नमाज अदा की। वहीं बात अगर नगर के मदीना मस्जिद की करें तो नगर के मदीना मस्जिद में कमेटी द्वारा निर्धारित लोगों को मस्जिद के अंदर का बाकायदा मस्जिद गेट पर ताला लगा दिया और कोरोना वायरस को लेकर जारी किए गए फतवा चस्पा कर दिया गया, जिसमें जुमे की नमाज मस्जिद में अदा ना करते हुए अपने घरों में जोहर की नमाज अदा करने की सूचना दी गई, जिसके चलते मस्जिदों में नमाजी नजर नहीं आए और लोग अपने घरों में नमाज पढ़ते हुए दिखाई दिए। लालवर्रा मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत बोट्टा हजारे में शासन प्रशासन के निर्देशों के तहत कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसी कड़ी में 26 मार्च को ग्राम सरपंच कांति अरविंद गाड़ेश्वर, उप सरपंच लक्ष्मी नारायण झंझाड़े, सचिव संतोष डोरस, आशा कार्यकर्ता व कोटवार के द्वारा बाहर से पहुंचे ग्रामीणों के घरों में जाकर निरीक्षण किया गया और घरों में रहकर एहतियात बरतने की अपील की गई। अभी जो हमारे पूरे देश में कहना चाहिए विश्व में ही कोरोना नामक जो वायरस बीमारी का प्रकोप चल रहा है उसी के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए हम लोग सब एनएम मैडम है, आशा कार्यकर्ता मैडम है, हमारे सरपंच प्रतिनिधि है, मैम, हमने सुना है कि बुट्टा हजारी में कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो बाहर से आए और आप उन्हें क्या सजेशन दे रहे हैं? जी, आज दिनांक तक हमारे ग्राम बुट्टा हजारी में 30 लोगों की सूची बन चुकी है जो बाहर से आए हैं। कहाँ कहाँ से आए लोग? रायपुर, नागपुर, कुछ अपने ही एमपी के डिंडोरी हो गया, झांसी हो गया, सतना हो गया, इन्हीं जिलों से, बाकी रायपुर नागपुर वाले ज्यादा हैं। अच्छा। ऐसे 30 लोग हो चुके हैं। आप उन्हें समझाइश दे रहे हैं और कुछ दवाइयां वगैरह दे रहे हैं क्या? दवाइयां नहीं दे रहे हैं अभी। हाँ। उनमें कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिल रहा है इसका, परंतु जाकर के पूरे लोग टीम के साथ में जाकर के समझाइश दे रहे हैं कि घर के बाहर न निकले, अपने परिवार के साथ थोड़ा दूरी बना के रखे, आइसोलेशन जो बोलते हैं कि अलग कमरे में अपना खान पान कपड़े लत्ते अलग ही रखे। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए शासन के द्वारा लॉकडाउन किया गया है, जिसका जिले के भीतर बेहतर तरीके से पालन हो रहा है। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान नवेगांव थाना में पदस्थ सब इंस्पेक्टर सतीश प्रसाद गर्ग बताते हैं कि सुबह के समय को छोड़कर बाकी समय सड़क पर कोई नहीं निकलता। जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में लॉकडाउन का जनता बेहतर तरीके से पालन कर रही है। लॉकडाउन का जैसा आप देख रहे हो सड़कों में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, ना ही गाड़ियां निकल रही हैं, तो लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन हो रहा है, जनता पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही है और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी जिस तरह से निर्देश दिए हैं और उन्होंने बोला है कि जनता हमारा पूरा सहयोग कर रही है और जैसा कि दिख भी रहा है चारों तरफ की जनता हमारा सहयोग कर रही है, तो यहाँ लॉकडाउन का पूरा समर्थन कर रहे हैं जो कि अच्छी बात है उनके लिए और लोग घर में रह रहे हैं तो ये हमारे लिए भी और उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है और देश के लिए। ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए पुलिस के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए कार्य किए जाने की जानकारी भी सब इंस्पेक्टर सतीश प्रसाद गर्ग ने दी। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रख रहे हैं, जैसे कोई भी आता है तो चेक करते हैं, जैसे अभी
एक गाड़ी निकली और उसको हमने चेक किया, उन्होंने SDM से परमिशन ली हुई थी, तो हमने क्या है उनके डॉक्यूमेंट्स हम टच नहीं कर रहे हैं, उनसे देख खुद बोल रहे हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। इसके अलावा जैसे कोई मोबाइल में बात कराना चाहता है, जैसे हमने हमें पता करना होता है कि भाई ये जो चीज़ हमको बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि नहीं, तो हम उससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम मोबाइल भी लाउड स्पीकर में ही लगा के बात करते हैं, उसका मोबाइल भी टच नहीं करते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग हम बराबर बना के रख रहे हैं और उनको भी बोलते हैं कि आप सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, यदि कोई बाहर से आता है तो उससे बोलते हैं कि हॉस्पिटल में आप चेकअप कराइए और फिर उसके बाद कहीं पे यदि बालाघाट में रुकना है तो परमिशन लीजिए, उसके बाद रुकिए। जैसे हम लोग सावधानी बरत रहे हैं और ये चीज़ जो ड्यूटी हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग घर में रहिए और अपने परिवार के साथ समय बिताइए और अपने ये इस वायरस से बचने के लिए लगातार हाथ धोते रहिए, दो दो तीन तीन घंटे में लगातार हाथ धोते रहिए। यदि बाहर जैसे सुबह 7 से 10 का टाइम है आपका एसेंशियल, ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के दौरान लोग सड़क पर नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से जब पदवेश न्यूज की टीम ने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि उनकी बहुत मजबूरी थी इसलिए वे सड़क पर आए हैं। कोरोना के तो लॉकडाउन का अर्थ क्या होता है? लॉकडाउन मतलब हम जहाँ पे वहीं रह जाए, है ना। कोरोना क्या है? वायरस है, कितना खतरनाक होता है ये, बहुत जानलेगा। तो फिर पालन क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? जी अब इमरजेंसी थी तो, इमरजेंसी थी तो आप तो यहीं पर भी रुक सकते थे। जी अब तो यहाँ पे कहाँ रुक जाए, है ना। तो अच्छा किस तरीके का बचाव कर रहे थे, बाहर भी निकल रहे हैं आप तो? जी सर मुंह पे ढाके हुए हैं और जो लिक्विड आता है उसको हाथ में लगाए हैं। लॉकडाउन की स्थिति निर्मित होने के बाद 26 मार्च से लगातार महाराष्ट्र प्रांत से नागपुर से बालाघाट जिले के प्रवासी मजदूरों के जत्थे लगातार आ रहे हैं। 27 मार्च को लगभग 2 दर्जन प्रवासी मजदूर वारासुनी होते हुए लालबरा की तरफ आगे बढ़े हैं। पद्मेश से चर्चा करते हुए पहले आए जत्थे में लगभग 8 महिला और पुरुष शामिल थे, जिन्होंने बताया कि नागपुर में कर्फ्यू के हालात है और कामकाज पूरी तरह से ठप है, जहां पर उन्हें रोजी रोटी की मुसीबत आकर खड़ी हो गई थी। इस मामले में उन्होंने पद्मेश से चर्चा करते हुए बताया कि वह 3 दिन पहले पैदल निकले हैं, किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है, शासन के द्वारा कोई व्यवस्था गाड़ियों की नहीं दी जा रही है, इस वजह से उन्हें नागपुर से पैदल ही अपने गाँव के लिए निकलना पड़ा। 3 दिन पहले ही वह पैदल नागपुर से जो भंडारा मार्ग होते हुए यहाँ आए हैं। बपेरा खैलांजी रामपाली वारासुनी होते हुए लालबरा के गणेशपुर के लिए वे निकल रहे थे। यहाँ पर आपको बता दें कि 150 किलोमीटर पैदल चलने से महिलाओं के पैरों में छाले तक आ गए हैं। इस मामले में पद्मेश ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए महिलाओं की स्थिति को देखते हुए कोरोना रिलीफ फंड समिति से संपर्क स्थापित कर उन्हें सकुशल गणेशपुर पहुँचाने की व्यवस्था बनाई। इस मामले में कोरोना रिलीफ फंड के सदस्य संजय सिंह कछवा ने वाहन की व्यवस्था उनके घर तक छोड़ने की करवाई, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी से गाड़ी का परमिशन लेकर उन्हें छोड़ा गया। एक दूसरे जत्थे में लगभग 1.5 दर्जन लोग साइकिलों में सवार होकर अपने गृह ग्राम मेरे गांव लालबर्रा के लिए निकले। वारासुनी में अल्प समय के लिए ठहरे प्रवासी मजदूरों ने बताया कि उन्हें भी मजदूरी की समस्या वहां पर उत्पन्न हो गई है और खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, इस वजह से वहां अपने गांव जाने के लिए निकले हैं। 2 दिन पहले वह साइकिलों से नागपुर से निकले हैं, जो लगातार रात दिन साइकिल चलाते हुए 27 मार्च की दोपहर में गांव की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रास्ते में उन्हें खाने पीने की व्यवस्था नहीं है और पेट में अनाज का दाना नहीं है। जिनके पास व्यवस्था है वह साइकिल खरीद कर साइकिल पर सवार होकर आ रहे हैं और जिनके पास व्यवस्था नहीं है उन्होंने पैदल ही मार्ग तय कर लिया है। इस मामले में श्रमिकों ने रिलीफ फंड के सदस्य संजय सिंह कछवाह का आभार व्यक्त किया। मनीष नगर से आ रहा हूँ, नागपुर मनीष नगर पैदल चल कब निकले थे? 3 दिन पहले निकले थे हम बाईपास होते हुए। बाईपास होते हुए हैदराबाद वाला रोड, तो ये भंडारा होते हुए आए हो क्या? भंडारा तुमसर होते हुए आए, तो इस बीच तुम लोगों को कोई साधन वगैरह नहीं मिला? नहीं नहीं, पुलिस वाले मिले क्या? अच्छा ये बताओ मेरे को, ये रास्ते में पुलिस वगैरह मिले? तो उन्होंने रोके नहीं तुम लोगों? रोके बोले कहाँ से आ रहे हम? नागपुर से। नागपुर से? तो व्यवस्था किसी ने बनाकर नहीं दिया आपको? नहीं, गांव वालों ने दिए बनाकर। क्या व्यवस्था दी गांव वालों ने? खाने पीने की। खाने पीने की? तो रहने वाले कहाँ के हो आप? रहने वाले ये गणेशपुर लालबरा। तो हम लोग नागपुर से आ रहे हैं। नागपुर का गए थे आप लोग? कमाने खाने गए थे जी। कब से गए थे आप लोग? एक डेढ़ महीना हो गया। तो क्या स्थिति बनी थी कि आपको ऐसा पैदल वापस आना पड़ा है? पैसे नहीं था, खाने का नहीं था, वहाँ कर्फ्यू लग गया है।
तो किस तरीके से आप वहाँ से आए, कैसे आए आप लोग? पैदल आए, साइकिल से आए। अच्छा, पैदल और साइकिल से चले आ रहे हैं आप लोग। तो कब निकले थे वहाँ से आप लोग? सुबह से निकले थे, 6 बजे कल सुबह 6 बजे से निकले हैं। सुबह 6 बजे से, शाम को 6 बजे से निकले हैं। और रात भर आप चलते रहे चलते। और अभी सुबह भी आप चलते यहाँ तक पहुँचे हैं। चलते तो अब क्या स्थिति है आप लोगों की? अभी तो भूखे प्यासे, प्यासे हैं कि कुछ नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है। आप देख रहे हैं इस वक्त नागपुर से लगातार हमारे यहाँ के प्रवासी लेबर वर्क जो है वो लगातार प्रवचन करके महाराष्ट्र की सीमा को पार करते हुए वारासुनी होते हुए अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। जिस तरीके से हमारी चर्चा इन लोगों से हुई है, उन्होंने बताया कि वह कर्फ्यू के हालात निर्मित हो गए हैं और खाने कमाने के लाले पड़ गए हैं, भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, इस वजह से आ गए हैं। इसमें हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं जिन्होंने बताया कि कल से जब निकले हैं तो उनके पेट में अनाज तक नहीं है। हालात कमोबेश दिन ब दिन जो है वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। इसके पहले जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि कुछ महिला और परिवार के लोग जो है पैदल ही प्रवचन करके वारासुनी पहुंचे हैं, जिन्हें गणेशपुर पहुंचाने की जो व्यवस्था संजय सिंह कछुआ के द्वारा की गई है, महिलाओं के पैरों में छाले तक आ गए हैं। देखना यह है कि इस तरीके के जो हालात अभी बने हुए हैं और जिस तरीके से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि महाराष्ट्र की बॉर्डर से लगातार प्रवासी मजदूर जो है मध्य प्रदेश की तरफ लगातार आ रहे हैं, प्रशासन इन लोगों के लिए कैसी व्यवस्था करता है, क्या करता है, ये देखना बहुत जरूरी है। कैमरा पर्सन सागर देवगढ़ के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज, वारस। कोरोना वायरस संक्रमण से जंग लड़ने के लिए लालबर्रा मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में भी लॉकडाउन का व्यापक असर नजर आ रहा है। शासन प्रशासन के निर्देश के तहत जहां पूरा प्रशासनिक अमला मुस्तैद है, वहीं ग्राम पंचायत स्तर पर भी कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ विशेष सतर्कता बरती जा रही है। मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर जिले की प्रवेश सीमा कंजई पहुंचे तो पाया कि बस स्टैंड की सभी दुकानें बंद थी एवं राज्य मार्ग से इक्का दुक्का लोग अपने गंतव्य की ओर जाते हुए नजर आए। वहीं ग्राम पंचायत कार्यालय खुला हुआ था, जहां सचिव व रोजगार सहायक प्रशासन के निर्देश के परिपालन में अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर रहे थे। साथ ही जिले के प्रवेश सीमा होने की वजह से कंजई बैरियर में पुलिस प्रशासन के द्वारा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनके द्वारा आने जाने वालों की चेकिंग कर आवश्यक सलाह दी जा रही है। आपको बता दें कि होली पर्व के बाद अधिकतर मजदूर कमाने खाने के लिए महानगरों का रुख कर गए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते वापस अपने घर वे लौट रहे हैं, जो जिले के प्रवेश सीमा कंजई में जिला सिवनी की ओर से पहुँच रहे हैं। ग्राम पंचायत कंजई में सचिव, रोजगार सहायक, सरपंच, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता एवं डॉक्टर, ANM समूह के माध्यम से गांव में जा कर के समझाइश दे रहे हैं और यहां ग्राम पंचायत कंजे में कोरोना का कोई शिकायत नहीं है। लोगों को समझाया जा रहा है कि 1 मीटर दूर रह के बात करें। जैसे अभी बाहर से भी ग्रामीण लोग आए होंगे तो ऐसे कितने ग्रामीण चिन्हित? यहाँ लगभग 32 लोग आ चुके हैं और आने की संभावना है। उनको भी समझा दिया जाएगा कि आप 1 मीटर दूरी बना के रखें और बात करें, गांव में ना घूमें, घर में मतलब 14 तारीख तक लॉकडाउन के तहत उसका पालन करें। जैसे ये जिले का प्रवेश द्वार है ग्राम पंचायत कंजी, जिले का तो यहाँ पर मतलब क्या निगरानी वगैरह प्रशासन द्वारा की जा रही है? जैसे सिवनी से जिले से लगा गांव है ग्राम पंचायत कंजी, इसमें बैरियर लगा हुआ है सीमा पे, यहाँ पुलिस वालों का पहरा है, वो रात दिन वहाँ पहरा दे रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, किसी को आने जाने से मना कर रहे हैं। वारा सिवनी खैलांजी क्षेत्र के विधायक प्रदीप जायसवाल की अध्यक्षता में लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद के लिए कोरोना रिलीफ फंड तैयार किया गया है। रिलीफ फंड का उद्देश्य 21 दिन के लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए हर वर्ग और हर तबके के लोगों को, उनके परिवारों को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करने का है। इसी दिशा में आज विधायक प्रदीप जायसवाल के आवास पर राइस मिल्स एसोसिएशन के सदस्यों की एक बैठक आहूत की गई, जिसमें वारासिवनी सहित खैलांजी विधानसभा क्षेत्र के सुदूर गांव मंजेरे टोलो तक गरीबों और जरूरतमंदों को राशन और उनकी सुरक्षा के लिहाज से सैनिटाइजर, मास्क की व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक चर्चा की गई।
पदमेश से चर्चा करते हुए रिलीफ फंड के अध्यक्ष वारासिवनी खैलांजी क्षेत्र के विधायक प्रदीप जायसवाल ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए राहत पैकेज जारी कर दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पैकेज में शामिल नहीं है और जो वास्तविक जरूरतमंद है। कोरोना रिलीफ फंड का उद्देश्य इस भयावह व विकट परिस्थिति से जंग कर रहे सामान्य लोगों को उबारने के लिए है, ताकि कोई भी परिवार किसी भी प्रकार की परेशानी में ना रहे और भूखमरी का शिकार ना हो, जरूरत की चीजों का अभाव उसे ना हो। इस दिशा में कोरोना रिलीफ फंड रिलीफ देने का प्रयास कर रहा है। जैसा देख रहे हैं, हम लगातार मीटिंग हो रही है, जिला प्रशासन की तरफ से सजग है और हम सब ने प्रयास किया है कि सारे जो सामाजिक संगठन है उनके सहयोग से, हमारे जो सक्षम लोग हैं उनका सहयोग लेके, जो जरूरतमंद है, गरीब है, उनको मास्क का वितरण हो जाए। अभी हमने 20,000 मास्क लगवाए इंडिया से और साबुन, इलेक्ट्रिकल साबुन की व्यवस्था, सैनिटाइजर भी हमने बुलाए और इस सबको सारे जो अधिकारी सब लगे हैं सेवा में उनके माध्यम से उनको बढ़वाया गया। साथ ही हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा अनाज की व्यवस्था भी सभी की गई है 3-3 महीने का, लेकिन इसके बावजूद हमारे कई ऐसे 20% ऐसे लोग हैं जिनका कार्ड भी नहीं। ऐसे जितने गरीब रोज कमाने खाने वाले हैं, हाथ ठेले वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, ऐसे सभी लोगों की व्यवस्था बना रहे हैं। जितने राइस मिल है इनसे थोड़ा चावल का सहयोग लेके, किराना दुकान से नमक है, तेल है। 25 मार्च से 21 दिन का लॉकडाउन की घोषणा के बाद पूरे देश में लॉकडाउन के चलते बाजार बंद है। इसी तरह वाराणसी में भी मार्केट पूरी तरह से बंद है। वहीं राज्य शासन के द्वारा जारी आबकारी ठेके के तहत चलने वाली अंग्रेजी शराब दुकान का संचालन बिना रोके सरेआम वाराणसी में चल रहा है। लगातार लोगों के द्वारा व्हाट्सएप और फेसबुक पर शराब ठेके की चल रही दुकान को निशाना बनाया जा रहा है। इस मामले में शासन का दोहरा मापदंड जो है वह देखने में आ रहा है। एक तरफ शासन के द्वारा अंग्रेजी शराब दुकान के ठेके को बंद किए जाने की दिशा में किसी प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। दोनों ही स्थिति में शराब के तहत आबकारी नीति का पालन जो है सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। समस्या ये भी आ रही है, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ और इसमें यहाँ इतने बड़ी महामारी के बीच में जब हम किराना दुकान भी हम लिमिटेड टाइम चालू कर रहे हैं, सारी चीज़ें बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ है, लोगों को बाहर निकलने में बंदिश है, किराना दुकान दवा दुकान तो 24 घंटे चालू है, लेकिन शराब दुकान को लेकर भ्रम की स्थिति बनी है और लोगों को इसको इसके सरकार का एक दोहरा मापदंड इसको देख रहे हैं लोग। तो मैंने भी इस बात का प्रयास किया था कलेक्टर को भी, मैंने कहा और कलेक्टर ने जैसा बताया कि इनका जो प्रमुख सचिव है आपका, इनसे बात करने के लिए इनके तरफ से कोई आदेश नहीं हुआ है। तो मैंने जो केसरी इनके IPS केसरी है, कल मैंने उनसे भी बात किया प्रमुख सचिव से, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश अभी जारी करने का कोई मंशा नहीं सरकार। तो इस ओर मैंने ध्यान दिलाया कि आप मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात लाए, इससे सरकार का दोहरा चरित्र दोहरा माध्यम लोगों में जा रहा है। इसको देखते हुए तो महामारी के बीच में निश्चित रूप सरकार का एक सजग आदेश होना चाहिए, इसको बंद किया जाए ताकि वहाँ भीड़ इकट्ठा ना हो या शराब पी के कोई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद संपूर्ण देश में लॉकडाउन की स्थिति निर्मित है और पूरा बाजार पूरी तरह से बंद है, लेकिन वाराणसी मध्य प्रदेश के वाराणसी तहसील से एक चौंकाने वाली खबर यह है कि यहाँ पर विदेशी शराब दुकान का जो ठेका है बकायदा चालू है और यहाँ पर दुकानें यथावत चल रही हैं। बकायदा दुकान के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्किल भी लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि जहाँ एसेंशियल कमोडिटीज की जो दुकानें हैं वो बंद है, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। कैमरा पर्सन सागर देवगढ़ के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज, वाराणसी। 22 मार्च से जिले की जनता घरों पर बैठी हुई है, ऐसे में सोशल मीडिया पर ना जाने कितनी फेक खबर वायरल हो रही है। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जिला प्रशासन से लेकर भोपाल जनसंपर्क कार्यालय तक को रोजाना 1-2 खबरों का स्पष्टीकरण जारी करना पड़ रहा है
और लोगों को बताना पड़ रहा है कि कौन सी खबर फेक है और कौन सी सही है। ऐसी एक खबर इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत अधिक वायरल हो रही है जो पूरी तरह से फेक है। इस खबर में लिखा हुआ है कि कोरोना वायरस संक्रमण जैसी महामारी को देखते हुए जिले भर के मकान मालिक मार्च माह का किराया अपने किराएदारों से नहीं ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस फेक खबर को वायरल करने वालों ने बाकायदा इस आदेश के लिए जिला प्रशासन का हवाला दिया है। जब हमने इस बात की जानकारी जिला जनसंपर्क कार्यालय के अधिकारियों से ली तो उन्होंने बताया कि यह खबर पूरी तरह से फेक है। जिला प्रशासन द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है और ना ही उनके तरफ से इस तरह की कोई खबर सोशल मीडिया पर वायरल की गई है। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच अधिकांश कारखाने और फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। ऐसे में यहां काम करने वाले मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है, जिसे देखते हुए अब वे अपने गृह ग्राम वापस लौट रहे हैं। ऐसे ही कुछ मजदूर जंगल के रास्ते उमरिया जिला जा रहे थे, लेकिन रात होने की वजह से वह जंगल में ठहरे हुए थे। इस बात की जानकारी जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर रोशना पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि सुरेश को लगी, जब उन्होंने तत्काल सभी राहगीरों को अपने पंचायत में रुकवाया और रात में खाने की व्यवस्था की गई। सुबह होने पर उन्हें अपने गंतव्य के लिए रवाना किया गया। जानकारी के अनुसार ये सभी लोग जंगल के रास्ते उमरिया जा रहे थे, लेकिन वे रास्ता भटक गए। इस कारण वे परेशान हो रहे थे। इसे देखते हुए उन्हें रात में पंचायत में ठहरा दिया गया था। पद्मेश न्यूज सामाजिक सरोकार के तहत रोजाना जिले के विशेषज्ञ चिकित्सकों के माध्यम से आप तक कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के उपाय पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में हमने चर्चा की जिला अस्पताल में कोरोना वायरस संक्रमण वार्ड के आइसोलेशन प्रभारी डॉक्टर भजन लिल्हारे और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अशोक लिल्हारे से, जिन्होंने कोरोना वायरस से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ साझा की। आइसोलेशन प्रभारी डॉक्टर भजन लिल्हारे ने बताया कि कोरोना वायरस वह मेहमान है जो हमारे द्वारा घर पर लेकर जाया जाता है। वह बाहर से अपने आप नहीं आता, हम स्वयं उसे अपने साथ अपने घर लेकर आते हैं। इसीलिए इस संक्रमण से बचने के लिए हम घरों में ही रहें, लॉकडाउन का पालन करें तो इस संक्रमण से बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित रहा जा सकता है। इसके अलावा जिला अस्पताल में किस तरह से कोरोना वायरस के लिए तैयारी की गई है, इस विषय पर उन्होंने विस्तार से जानकारियां कुछ इस तरह से दी। हमारे पास काफी अच्छी व्यवस्था करी गई है, अलग अलग टीम बनाई गई है, फोन पर एडवाइजरी जारी करी गई है जिस पर डॉक्टर की सलाह ली जा सकती है। सामान्यतः सर्दी खांसी बुखार इन सब चीजों के लिए जो इमरजेंसी नहीं है कृपया बाहर न निकले और जिला अस्पताल में आकर के भीड़ न लगाएं, इनका घर पर भी उपचार किया जा सकता है। दूसरा, मैं और जनता से अपील करना चाहूंगा कि सामान्य सर्दी खांसी फ्लू अभी मौसम चेंज हुआ है तो ये कॉमन है, तो इस पे आपको लगता है तो घर में ही आइसोलेट हो जाएं, अन्य परिवार के सदस्यों से दूरी बनाएं और सिंपल ट्रीटमेंट लें। इसके लिए आपको आवश्यकता नहीं जिला चिकित्सालय में आने के लिए। और दूसरी एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बाहर से आए हुए लोगों की आपको पता चलती है तो आप परेशान हो रहे हैं कि हमें जाँच कराना है, तो इसके भी कुछ नियम है। जिन्होंने विदेश से यात्रा की है या जिन्होंने विदेश से यात्रा की हुई व्यक्ति के संपर्क में आया है या ऐसे किसी संक्रमित मरीज का उपचार करने वाले अपने जिला चिकित्सालय का टीम है, तो इन लोगों के लिए हम कोरोना का थ्रोट स्वैब और नेजल स्वैब को हम जांच के लिए भेज सकते हैं। वहीं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अशोक लिल्हारे ने बताया कि बालाघाट विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री गौरीशंकर बिसेन द्वारा लगातार जिला अस्पताल में फोन कर कोरोना वायरस से संबंधित संक्रमित मरीजों को आइसोलेशन के विषय में जानकारी दी जा रही है। इस संबंध में हमारे विधायक पूर्व मंत्री पूर्व सांसद माननीय गौरीशंकर बिसेन के द्वारा इस बीमारी के संबंध में सतत निगरानी रखी जा रही है। हम लोगों से प्रतिदिन सुबह शाम चर्चा की जा रही है, कितने मरीज आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, क्या इलाज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितने केस पॉजिटिव हुए हैं, कितने के सैंपल भेजे गए हैं, इस स्तर पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। हमारे जिले में 3 सैंपल हमने भेजा था जबलपुर, उसमें 3 नेगेटिव आए हैं। वर्तमान में कोई भी कोरोना वायरस पॉजिटिव केस हमारे नहीं है। जहाँ तक सवाल लॉकडाउन का है, लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट और आम जो मीडिया प्रभारी है इनका काफ़ी सहयोग मिल रहा है और आम लोगों से अपील है कि अस्पताल में आकर काफी भीड़ न लगाए। इसी तरह सोशल मीडिया और पद्मेश के माध्यम से लगातार जिलेवासियों को कोरोना वायरस के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। जिला अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निलय जैन इस बात से बहुत अधिक आहत हैं कि जिलेवासी लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं।
मुख्य सड़कों को छोड़ दिया जाए तो शहर की कॉलोनियों के भीतर लोग बड़े आराम से घूम रहे हैं, जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऐसा ही रहा तो स्थिति बहुत अधिक भयावह हो सकती है। चलिए सुनते हैं डॉक्टर निलय जैन की जुबानी, कोरोना वायरस संक्रमण से कैसे बचाव करें और क्या हो सकते हैं खतरे। देखा जा रहा है कि अभी जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है वो 15 अप्रैल तक है, लेकिन अभी ये देखने में आ रहा है कि बहुत से लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जो लोग मोहल्ले में रह रहे हैं, कॉलोनीज में रह रहे हैं, सुबह से शाम तक दिन भर यहाँ अफरा तफरी करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, इसी चीज के लिए तो मना किया है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब आपका जितना भी प्यार मोहब्बत है, प्रदर्शन है, एक दूसरे के प्रति अभिव्यक्ति है, चाहे वो हाथ मिला के हो, चाहे नजरों से नजरें हो, किसी भी तरह का हेलो हाय करना हो, गुड मॉर्निंग हो, ये सारी की सारी चीजें आपको अभी नहीं करना है। आपको अपने घर के अंदर बंद रहना है, चाहे व्यक्ति कोई भी हो, कहीं भी रहते हो, तो सारे लोग सख्ती से नियम कानून का पालन करें, घरों के अंदर रहें, किसी को प्रवेश ना करें। जितने भी काम वाले और काम करने वाले लोग हैं, भाइयां हैं, वर्कर्स हैं, वो कृपा करके 14 अभी जो क्वारंटाइन पीरियड है अभी की दिन का 14 अप्रैल तक सारे लोग अपने आप को बंद कर लें कमरे में। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए पूरे जिले की सीमाओं को लॉक कर धारा 144 लागू की गई है और सोशल डिस्टेंस के लिए लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने के निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे समय में मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा प्रशासन का सहयोग करते हुए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। 27 मार्च शुक्रवार को पदमेश की टीम ने स्थानीय जामा मस्जिद लालबर्रा और रजा मस्जिद अमोली का जायजा लिया तो पाया कि दोनों मस्जिदों के प्रवेश द्वार बंद हैं एवं समस्त सामाजिक बंधुओं के लिए एक सूचना बोर्ड लटका दिया गया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन के निर्देशानुसार मस्जिदों में कोई भी व्यक्ति नमाज पढ़ने ना आए। मस्जिदों में 5 लोगों के द्वारा नमाज अदा की जाएगी। जुमे के दिन अपने घर पर ही जौहर की नमाज पढ़ें और घर पर ही रहकर इबादत करें। पद्मेश से चर्चा में जामा मस्जिद अंजुमन इस्लामिया कमेटी लालबर्रा के पदाधिकारी फिरोज खान के द्वारा बताया गया कि शासन के द्वारा उन्हें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि मस्जिदों में सिर्फ 5 लोगों के द्वारा ही नमाज अदा की जाएगी, जिसके चलते हमारी कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि जुमे की नमाज के साथ साथ बाकी दिनों की नमाज भी घर पर ही पढ़ी जाए। कमेटी ने यह निर्णय ली क्योंकि कोरोना महामारी के चलते प्रशासन ने आदेश दिया था कि तमाम नमाज, चाहे वो जुमे की नमाज क्यों ना हो, उसमें सिर्फ 5 लोग ही नमाज पढ़ पाएंगे। तो कमेटी ने ये निर्णय लिया और प्रशासन को सहयोग प्रदान करा कि सिर्फ 5 लोग ही मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे और 5 लोगों ने ही नमाज अदा करी और बाकी सभी लोग अपने अपने घरों में नमाज अदा कर रहे हैं। जागरूकता का अभियान चलाएंगे हम लोग और हम अपने समाज में जन जागरूकता का अभियान चला रहे हैं कि लोग घरों में रहें, जो प्रशासन का उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करें और लोग घरों में रहें, क्योंकि बाहर निकलने से ही ये बीमारी फैलेगी, अन्यथा हम लोग अगर घर में रहेंगे तो बीमारी नहीं फैलेगी। वारस होने के वार्ड नंबर 11 में एक परिवार में विवाह के अवसर पर पहुंचे पारिवारिक रिश्तेदार लॉकडाउन की घोषणा के बाद यहीं फंसे रह गए। वैवाहिक कार्यक्रम के बाद परिवार के सामने खाने पीने से लेकर सोशल डिस्टेंस समस्या उत्पन्न हो गई है। विगत 3 दिनों से लगातार यह परिवार अनाज की कमी से परिजन की तरह वही शादी समारोह में शामिल होने आए लोग भी परेशान होते रहे। परिवार के मुखिया देवेंद्र कामरी ने पद्मेश से चर्चा करते हुए बताया कि उसकी पुत्री का विवाह 21 मार्च को हुआ, जिसमें लांजी क्षेत्र से उसके पारिवारिक रिश्तेदार आए हुए थे जो मंडा झाड़ने की रस्म तक रुके हुए थे, मगर अचानक लॉकडाउन होने से उनके जाने की व्यवस्था नहीं बन पाई। इससे पूरे के पूरे रिश्तेदार उसी के घर में हैं, जिससे उसके घर में अनाज की समस्या के साथ ही सामाजिक दूरी रखने में भी दिक्कत खड़ी हो गई। 21 तारीख को हुई है, तो क्या दिक्कत खड़ी हो गई आपको? ये खड़ी हो गई, शादी हुई, अब बच्ची लाने गए, बारात वापसी हो गई, कुछ लोग पूरे यहाँ पे थम गए और समस्या अब ये आ रही है कि हमने बरातियों को अपने रिश्तेदारों को यहाँ खिलाए, अब हम वो खिला नहीं सक रहे हैं। इनकी व्यवस्था के लिए आपसे चाह रहे हैं कि आप भेजो। ये जो मेहमान है, बराती लोग हैं, कहाँ के रुके हुए हैं? ये लांजी। अच्छा, लांजी के। अच्छा, जब वे वापस जा रहे थे तो लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हो गई और जाना नहीं हो पाया? नहीं हो पाया, तो वो तब से यहीं पर हैं। यहीं पड़े हैं। और उनके बच्चे कहाँ पर हैं? उनके बच्चे वहाँ वहाँ, यानी माँ बाप यहाँ है, बच्चे उधर, तो ये समस्या भी खड़ी हो गई। खड़ी हो गई, खाने पीने की भी व्यवस्था खड़ी हो गई समस्या। कोरोना रिलीफ फंड समिति वारासिवनी सदस्य चित्रेश पवार ने बताया कि जैसे ही उन्हें यह खबर व्हाट्सएप पर मिली, उन्होंने अपने साथी मोनू निमजे के साथ कोरोना रिलीफ फंड समिति वारासिवनी के अध्यक्ष विधायक प्रदीप जायसवाल से चर्चा की। पीड़ित परिवार देवेंद्र कामरी के यहां पर पहुंचे
अनुविभागीय अधिकारी से परमिशन लेकर वाहन की व्यवस्था बनाई और सैनिटाइजर देकर और मास्क प्रदान करके गाड़ी में बिठा कर उनके गृह ग्राम लांजी छोड़ने की व्यवस्था बनाई है। हमारे कोरोना रिलीफ फंड ग्रुप के माध्यम से भाई हमारे जगदीश नेमा ने इनकी समस्या डाला और भैया माधन गुड्डा विधायक जी ने उसे अपने संज्ञान में लिया और उसके बाद तुरंत विधिवत नियमानुसार गाड़ी की परमिशन लेकर इनके हैंडवाश करा के इन्हें मास्क पहना के इनको इनके गाँव यहाँ से बिछाया जा रहा है। एक समस्या ये भी आ रही है कि वारा सुनी काफी लोग जो है बहेला में है, लगभग 50 बाराती जो है वहाँ पर है, तो उनको लाने के लिए भी क्या प्रयास कर रहा है? भैया ने भी इस बात को संज्ञान में लिया है, अभी जो ये गाड़ी जा रही है इस गाड़ी में जितने लोग आ सकते हैं हम वहाँ से भी परमिशन लेकर उतने लोगों को लाएंगे, उसके बाद वहाँ से भी गाड़ियों की व्यवस्था करके वारासुनी लाने की कोशिश। जैसा कि आप देख रहे हैं कोरोना रिलीफ फंड ने अपना काम करना जो है वो चालू कर दिया है। हम आपको यहाँ पर बता दें कि वारासुनी खैरलांजी क्षेत्र के लिए विशेष तौर से वारासुनी खैरलांजी विधायक प्रदीप जायसवाल की अध्यक्षता में एक कोरोना रिलीफ फंड का जो है वो निर्माण किया गया है, जो इस तरीके की रिलीफ देने के लिए यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है। वार्ड नंबर 11 में बकायदा जो है यहाँ पर कोरोना रिलीफ फंड के जो सदस्य हैं वो बकायदा पहुंचे हैं। एक समस्या यहाँ पर उत्पन्न हुई थी कि कामरी जी का परिवार है जहाँ पर काफी बाराती जो है वो रह गए थे, 21 तारीख को शादी थी, 21 तारीख की शादी के बाद जो है लांजी क्षेत्र के जो बाराती हैं लगभग जिनकी संख्या 10 से 15 बताई जा रही है वो यहाँ पर रह गए थे, उनको वहाँ पर पहुंचाने की व्यवस्था जो है कोरोना रिलीफ फंड के द्वारा यहाँ पर की गई है। विधिवत परमिशन लेने के बाद यहाँ पर कोरोना रिलीफ फंड के जो सदस्य हैं वो बाकायदा आए हैं और सैनिटाइजर से उनका हैंडवाश करवाकर उन्हें जो मास्क है वो मास्क भी पहनाए गए हैं और उन्हें बाकायदा सकुशल और सुरक्षित जो है गाड़ी में शिफ्ट करवा के इन्हें वहां पर भिजवाया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण वाहनों के पहिए थमने से कोई भी व्यक्ति अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहा है एवं परेशानियों का उन्हें सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लॉकडाउन के चलते इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे तीन बाबाओं का सफर ग्राम पंचायत कंजई में भी थम गया है, जिन्होंने बाजार चौक स्थित सभा मंच में शरण ली है। जो छिंदवाड़ा से अमरकंटक यात्रा के लिए निकले थे, बाबाओं के द्वारा लॉकडाउन के कारण अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए मदद का इंतजार किया जा रहा है। इसी बीच 27 मार्च को ग्राम पंचायत कंजई सरपंच प्रतिनिधि व स्थायी पुलिस पटेल आशीष बिसेन के द्वारा बाबाओं से मुलाकात की गई एवं गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उन्हें आश्वस्त करवाया गया। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित गांगुलपारा पीपरटोला सहित आसपास के गांवों के लोगों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि इस क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार का आयोजन किया जाता है जो होली के बाद से बंद है। स्थानीय जनों की मांग पर ही इन्हें खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। चावल, दाल, तेल, मिर्ची और जो भी रोजमर्रा के इनके वस्तु हैं, सामग्री हैं, कल वितरण कर रहे थे। उसी मांग को लेकर कल ग्रामीणों ने उन्हें जो बोला कि हमारे यहाँ 9 तारीख से होली से हमने बाजार नहीं करे हैं और सब्जी भाजी नमक और बाकी जो है टमाटर प्याज ये सब चीज़ों की उन्हें मांग की थी, तो उसी के मद्देनज़र आज हमने दवाइयों का भी वितरण करे। जो पैरा मेडिकल वाले हमारे हैं तारा कावरे, ये सब इनकी टीम गई थी और बालाघाट से भी दवा हमारे जो जितेंद्र जैन जी हैं पुष्पांजलि वाले, उनने भी दवा उपलब्ध कराई, तो उनको भी दवाओं को लेकर सर्दी खांसी जो जनरल तबीयत खराब है वो दवाएं सब दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा गरीबों के लिए जारी किए गए राहत पैकेज के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में अब लोगों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है। आपको बताएं कि नगर के वार्ड नंबर 4 बैगा मोहल्ले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से राशन वितरण करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होने से काफ़ी दिक्कतों का सामना वार्ड नंबर 4 के निवासियों को हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग सिस्टम को बनाए रखने के लिए राशन दुकान की एक गली पर्याप्त नहीं थी, जिस वजह से विभागीय अधिकारियों ने नगर के वार्ड नंबर 4 में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान को नगर के सिविल क्लब ग्राउंड में स्थापित किया है, जहां पर उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बकायदा अलग अलग सर्किल तैयार करवाए। अनुविभागीय अधिकारी संदीप सिंह ने भी सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालकों को यह निर्देश दिया है कि वह राशन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करवाए। 27 मार्च को अलसुबह 4 बजे ट्रक के माध्यम से 43 लोगों का जत्था नगर मुख्यालय लालबर्रा पहुंचा, जिसमें से 32 लोग लालबर्रा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत पांडरवानी, रामजी टोला, बेलगांव, नीलजी, मानपुर, बहेगांव, नगपुरा, मुरलीखाम, रोशना, समनापुर, मगरदर्रा, बालाघाट सहित आसपास के लोग शामिल थे।
चर्चा में ग्राम पंचायत पांडरवानी के सरपंच अनिश खान ने बताया कि बाहर कमाने खाने गए लगभग 43 लोग रात्रि में पैदल नागपुर से वापस बालाघाट आने के लिए निकले थे, जिन्होंने फोन पर संपर्क कर मदद चाही, जिसके पश्चात महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क स्थापित कर बॉर्डर के पश्चात जवाबदारी उन्होंने ली, जिसके पश्चात सोशल डिस्टेंस व 15 दिनों तक घर में रहने सहित अन्य समझाइश देकर उन्हें उनके घर तक पहुंचाया गया है। साथ ही उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाया गया है। और टीवी के माध्यम से आजू बाजू जो आते हैं दूध वालों के माध्यम से पता चल रहा है कि नागपुर इधर उधर जो कमाने खाने गए हैं वो तो प्रतिदिन 2-4-10 तादाद में लालबर्रा के आजू बाजू ग्रामीण अंचल से वो आ रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन का क्या मतलब निकलेगा ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। ज़रूरतमंद अगर थोड़े से दवाई या कुछ के लिए मार्केट से बाहर जाता है तो वो लात खाता है, जूते खाता है, पुलिस के डंडे खाता है, कई प्रकार के उपद्रव होते हैं। और ये जो बाहर से आ रहे हैं इसका कोई रोकथाम नहीं है, प्रशासन इनके तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं तो वो तो अपने घर लौटेंगे ही। नहीं तो लौटेंगे तो प्रशासन को उनकी व्यवस्था करना चाहिए, उनका चेक करवाना चाहिए, उनको जिस टाइप से मोदी जी ने कहा है उस टाइप से उनकी व्यवस्था करना चाहिए तत्काल तत्काल। ये जो है लालबर्रा ब्लॉक के लगभग 43 लोग थे, जिसमें से बालाघाट जिले के 43 लोग थे, जिसमें लालबर्रा ब्लॉक के 32 गरीब मजदूर थे। वो सभी लोग जो है पैदल पैदल और साइकिलों से अपने बच्चों को लेके आ रहे थे। तो रास्ते में महाराष्ट्र की पुलिस ने इनको पकड़ा और इनने जब बताया अपनी मजबूरी तो महाराष्ट्र की पुलिस ने इनको मदद की और मेरे से मोबाइल में बात की। ये रात की 11 बजे की घटना है। मेरे से और हमारी ग्राम पंचायत के सचिव हैं श्री कृष्णा जी, कृष्णा पंचेश्वर, इनका फिर मुझे फ़ोन आया, फिर मैंने पुलिस विभाग से बात किया महाराष्ट्र की पुलिस से, फिर उनसे बोला कि आप इनको कोई भी गाड़ी करके भेज दीजिए। तो इन्होंने गाड़ी करके भेजे फिर महाराष्ट्र तक। फिर जब बॉर्डर लगा एमपी का तो उसमें मैंने जवाबदारी लिया कि आप जो है यहाँ पर उनको भेज दीजिए, बाकी काम मैं जो है मध्य प्रदेश के शासन प्रशासन से हमारे माननीय कलेक्टर साहब से डीएम साहब से बोल के इधर कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। सत्ताईस मार्च तक नहीं मिला जिले में कोई भी कोरोना वायरस पॉजिटिव, एक संदिग्ध की रिपोर्ट का इंतजार। तीन दिन में 150 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर नागपुर से लालबर्रा पहुंचे लोग। लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे लोग, जिलेवासियों को चिकित्सकों की दो टूक चेतावनी। लॉकडाउन में शराब दुकान खोले जाने का वारासिवनी विधायक ने जताई चिंता। दसवीं व बारहवीं कक्षाओं को जनरल प्रमोशन दिए जाने की सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है फेक खबर। लॉकडाउन में कंजई बैरियर पर पुलिस कर्मियों के द्वारा बरती जा रही है विशेष चौकसी। और कोरोना वायरस संक्रमण लॉकडाउन का मुस्लिम समाज ने किया पूर्णतः पालन, घर में अदा की जुमे की नमाज। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।